सानिया कहाँ रह गई? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देखो जरा, मैं तो नाश्ता भी कर चुकी हूँ। अम्मी आज तो आपने बहुत अच्छा ऑमलेट बनाया। अच्छा अच्छा, जल्दी खाओ और ये चाय ठंडी हो रही है, चाय भी पियो। लेकिन बस मैं थोड़ा सा खाऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचना है। तुम्हारा रोज का यही मामूल है, पराठा खत्म करके जाओगी। बस मैं निकल रही हूँ, बहुत देर हो रही है, मैं लंच कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। ये लड़की भी ना रोज ऐसे करती है। अस्सलाम वालेकुम, आज फोन करने में आपने इतनी देर कर दी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। अब कैसी तबीयत है चची जान की? दवाई खिला दी है, अब बेहतर है तबीयत। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं आ जाती हूँ उनके पास। मैं एक काम करती हूँ, अम्मी से अभी पूछती हूँ और आपके घर आ जाती हूँ। मैंने अम्मी से कहा भी था तो मैं यहाँ बुला लेता हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी मैं ठीक हूँ, उसे परेशान करने की क्या जरूरत है। इसमें परेशान होने की क्या बात है, आप उनसे कहें कि मैं आ रही हूँ वहां पर। अच्छा तो आज मैं फिर ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। जी नहीं, आपको ऑफिस की छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो तो मैं रोज जाता हूँ ना, लेकिन तुम रोज रोज हमारे घर थोड़ी आती हो। बस तय हो गया, आज तो मैं छुट्टी कर रहा हूँ। ऑफिस में बोल दूंगा तबीयत थोड़ी खराब है। और आप क्या कहेंगे चची जान से कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल की छुट्टी कर लूं? भाई अब बचपन की आदतें हैं, इतनी आसानी से थोड़ी जाएंगी। तुमको लेने आ जाऊं? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी रिक्शे में। अच्छा चलो जल्दी आ जाओ और मम्मी को उठा देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि तुम आ रही हो। ठीक है बस मैं आती हूँ। ठीक है ठीक है, बाय। वो आ रही है, आ रही है वो। जायद भाई इसके मुंह ना लगे आप। अरे पागल कुत्तों से मासूम लोगों को बचाना बहुत जरूरी होता है। आप छोड़े मुझे, बात करनी मैं तुमसे। रास्ता छोड़ो मेरा। तुम मुझे इतने नखरे क्यों दिखाती हो? बस क्या हुआ सानिया बेटा? देखो जावेद गली की बच्चियों का पीछा छोड़ कर। जायद भाई आप बीच में मत आए। तुझे शर्म नहीं आती तेरी माँ बहने नहीं है? बेवकूफ चल। ओह लगता है जाहिद भाई आपसे डर गया वो। अरे ये कहाँ डरता है भाई, ये असल में पुलिस वाले का भाई है, उसकी नौकरी से ये फायदा उठा रहा है, किसी से नहीं डरता। अरे जाहिद भाई सारी बातें छोड़ें, जुमेरात का प्रोग्राम तो पक्का है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे पक्का कह रहे हो? बहुत पक्का। कैटरिंग वाले को तो मैंने पैसे दे दिए, डेकोरेशन वाले को भी दे दिए। अरे भाई मैंने शहर का चुनकर सबसे बड़ा कव्वाल बुलवाया है। हलीम की देगें, शरबत, पान, चाय, जुमेरात को देखना कैसा मेला सजेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे जाहिद भाई, आपने तो हमारे इलाके का नक्शा ही बदल दिया है, लोग आपको दुआएं देते देते नहीं थकते। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी क्या हैसियत है, उसका एहसान है मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ने इस काबिल कर दिया है कि मैं लोगों के काम आ रहा हूँ, बस यही बहुत है। अम्मी अगर आप कहें तो आज मैं खाना बना देती हूँ यहाँ। नहीं मेरा बेटा तुम तकलीफ ना करो, तुम ये बताओ तुम ठीक हो, घर में सब खैरियत है ना? अच्छा मुझे थोड़ी थकन सी हो रही है, मैं चाहूंगी थोड़ा आराम कर लो। ठीक है अम्मी
सानिया, सब ठीक तो है? जुहेब वो जावेद बहुत तंग किया हुआ है उसने यार। कुछ कहा उसने तुमसे? कहना क्या है उसने, पहले तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के बाहर आके खड़ा हुआ करता था, कभी कभी आवाजें वगैरह देता था, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी, मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया। वो तो जाहिद भाई बीच में आ गए, वरना आज तो मुझे थप्पड़ लगा देती। ये जावेद ना हद से ज्यादा बढ़ रहा है, इससे बात करनी पड़ेगी अब मुझे। तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं है प्लीज, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम जाके उससे झगड़ो, पता है ना तुम्हें कितना लड़ाका है वो। नहीं तुम परेशान मत हो, ऐसा मौका नहीं आएगा कि लड़ाई हो, लेकिन बात भी तो करना जरूरी है ना उससे। जुहेब प्लीज, मैं नहीं चाहती कि ये बात बढ़े और लड़ाई हो, तुम प्लीज वादा करो कि तुम उससे कोई बात नहीं करो। अच्छा यार प्रॉमिस, नहीं लड़ा उससे, अब तुम अपना मूड खराब ना करो। सारा मूड खराब कर दिया उसने। ठीक है छोड़ो उसको, तुम आंटी का ख्याल रखो, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ मैं टाइम पे दवाई दे रहा हूँ। तू बस इसकी तस्वीरें देख के दिल को बहलाता रहेगा, और वो जुहेब इसे रानी बनाकर शादी करके इसे अपने घर ले जाएगा। बेटा शादी तो मैं नहीं होने दे रहा उसकी। पर कैसे, अगवा कर लेगा उसे? अगवा करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे, शादी तो इसकी सिर्फ मुझसे होगी। वो तेरे काबू में नहीं आएगी जेदे। तो काबू की बात करता है, मैं उसको ऐसा काबू करूंगा कि तू भी हैरान रह जाएगी। चल देख लेते हैं फिर। चाय पिलाएगा? हाँ पिलाऊंगा। चल पैसे भी तू ही देगा। पैसे मैं? हाँ। चल दे देता हूँ, इसमें क्या है। आप आ गई? जी बस अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। ये जावेद ने दिया है, कह रहा था कि आपने उससे मंगवाया है। मगर अपिया आपने उससे क्यों मंगवाया? ठीक है तुम जाओ। औरतों को भी छेड़ता है और साथ में बच्चों को भी बहुत तंग करता है। लाहौल वाला कुवत, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, कुछ तो बताओ बेटा। कुछ नहीं अम्मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। देखो नाहिद, भाभी का कहना भी को गलत नहीं है, हानिया के एग्जाम्स हैं, अभी बहुत वक्त है, इस तरह तो शादी बहुत लेट हो जाएगी। फरहाना बीमार है, अकेली है, मेरा ख्याल है कि हमें तो शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हाँ तैयारियों का सोचकर। मुझे भी ये उलझन तंग कर रही है, मैं तो सोच रहा हूँ कि बस लोन के लिए अप्लाई कर दो, मगर ये भी सोचता हूँ कि लोन अप्रूव होने में, दरख्वास्त मंजूर होने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो जब तक टाइम मिलेगा, फिर जब पैसे हाथ में आएंगे तो तैयारियों में भी टाइम लगेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार सानिया से और पूछ लीजिए। हाँ
सानिया से तो बात करनी पड़ेगी। देखो ना, शादी के बाद तो उसकी पढ़ाइयों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, उसके मौका ही नहीं मिलेगा पढ़ने का। ओहो, इस वक्त कौन आ गया? मैं जरा आता हूं। जी आइए। शुक्रिया शुक्रिया, प्लीज बैठिए। आइए बैठ के बात करते हैं। दरअसल अरुण भाई, आप तो जानते हैं कि ये नाचिस जो है हर साल महफिल समाज जो है मुनक्कद करता है, और इस साल भी हमारा इरादा है। हम चाहते हैं कि आप और आपके अहले खाना शिरकत करके हमें खुशी महसूस कर रहे हैं। राज भाई कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे मुखलिस और मोहब्बत करने वाले भाई की दावत कैसे रोकी जा सकती है? जज़ाकअल्लाह, जरूर आएंगे। जज़ाकअल्लाह। और हाँ हाँ, एक बात और है भाई, जावेद ने अहले मोहल्ला को बड़ा तंग किया हुआ है, और ख़ास तौर पर औरतों को भी छेड़ता है और साथ में बच्चों को भी बहुत तंग करता है। लाहौल वाला कुवत, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। हालांकि आप मामू होते हैं उनके? वो सगे नहीं है, दूर के रिश्तेदारी। लेकिन हमीद भाई, फिर भी जावेद के लिए तो कुछ करना होगा आपको। ऐसा करें, उसके बड़े भाई से बात करें और ना से समझे तो हमें भी अपने साथ रखें। हाँ, आप लोगों ने बात की है तो जरूर जरूर बात करूंगा। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त। नहीं नहीं, बस ये कोई चाय ठंडा वगैरह। आप बड़ी मेहरबानी, बड़ी जज़ाकअल्लाह। बस आपका भैया, ये बताओ कि जावेद ने कभी तुम्हें गली में रोका हो, को बात की हो? क्या सोच रही? कुछ नहीं बाबा, वो जावेद ने बस एक दो मर्तबा गली में मुझसे। क्या गली में? बाबा, उसने गली में मुझे रोककर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया था। देखो, जितना लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो इतना बुरा नहीं है। बाबा, आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? उसकी शिकायत की है? हाँ, मोहल्ले के कुछ लोगों ने, पर मैं उनसे बात कर लूंगा। तुमसे मैंने एक और बात करनी है। देखो, तुम्हारी जो चची है ना, वो चाहती है कि तुम्हें रुख्सत करवा के वो अपने साथ ले जाए, मगर तुम्हारे एग्जाम की वजह से हमने अभी तक तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम हाँ करती हो तो तुम, मेरा मतलब है कि एग्जाम वहां पर भी जाकर दे सकती हो। पापा, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं। क्या भाई, माशाल्लाह। मेरे रास्ते से क्या मसला है तुम्हारे साथ? देखो, मैं तुमसे बात करने आया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सानिया, मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मेरी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। ये शादी मैं नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं हो सकती ये शादी। सानिया देखो, हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? सानिया मेरी बात तो सुनो। आइंदा मुझे कभी हाथ मत लगा, समझे तुम? क्या हुआ सानिया बेटा? ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तुझे मैंने पहले भी मना किया था ना कि गली की बच्चियों को तंग मत क्या कर, तू बाज नहीं आया? शर्म नहीं आती तुझे? फास्ट फॉरवर्ड,
अगर अब दोबारा तूने किसी यहाँ की औरत को और बच्ची को तंग किया, मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगा, समझ गया तू? चल दफा यहाँ से, देख लूंगा तुझे भी मैं, देख लूंगा। सीरे, ये मैं नहीं हूं, ये किसने किया? या अल्लाह, तस्वीरें देखी, अच्छी लगी ना? ऐसी और बहुत सी तस्वीरें हैं मेरे पास तुम्हारी। तुम मुझे जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसे ऐसा करने से रोकेगा कौन? ये मेरी तस्वीरें नहीं हैं, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये कौन है जिसने मेरी इतनी बेहुदा तस्वीरें बनाई हैं? ये जावेद है, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगी। सानिया बेटा, वो फराना भाभी और जुहेब आए हैं, आ जाओ जरा। सानिया, अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, कुछ तो बताओ बेटा। कुछ नहीं अम्मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तौबा है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम ऐसा करो, थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर मेडिसिन ले लेना, और जरा अपना ये हुलिया दुरुस्त करके बाहर आना, फराना भाभी क्या सोचेंगी। ठीक है? क्या हुआ, तुम जावेद की वजह से परेशान हो? दोबारा कुछ कहा क्या उसने? मैं चाय रखकर आती हूँ, सब इंतजार कर। सानी, और भाभी सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। आप सुनाए, घर में सब खैरियत है? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अम्मी चाय। सानिया, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है बेटा? अम्मी कमरे में। ऐसा करो, अपने बाबा को फोन करो और उनसे कह दो कि हम लोग नहीं आ सकते। अच्छा, ये जोहेब कहाँ रह गया है? आंटी वो टेरेस पर है। अच्छा ठीक है, मैं बाबा को बोल कर आती।
ना बाबा, तुम मुझे मजीद तंग मत करो। यार अगर तुम बताओगे नहीं तो मसला कैसे हल होगा? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे भी छुपा रही हो? मुझसे ऐसा क्या राज तुमने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है? ऐसा क्या किया है, क्या किया है तुमने जो इतनी परेशान घूम रही हो? जावेद ही तुम हो ना? अगर तुम्हें जावेद नाम पसंद है तो ठीक है, आज से मेरा नाम जावेद है। तुमने मेरी जाली तस्वीरें बनाई हैं। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, सब जानते हैं मैं कैसी हूँ, कोई भी यकीन नहीं करेगा तुम्हारी बात का। तो ठीक है, मैं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, फिर देखते हैं कि कौन कौन तुम्हारा इतवार करेगा। बोलो, मंजूर है? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, खुदा का वास्ता ऐसे मत करना। अगर इस बदनामी से बचना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे मुलाकात करनी होगी। ये हरगिज नहीं हो सकता, समझे तुम? होगा तो ऐसा ही सानिया, लेकिन लगता है तुम शराफत से नहीं मानोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, अरे सानिया बेटा, तुम नाश्ता नहीं करोगी? सानिया क्या हुआ बेटा? क्या मसला है अम्मी आपके साथ, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? नहीं करना मुझे नाश्ता, एक दिन नाश्ता नहीं करूंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। अस्सलामुअलैकुम। सुहेब बेटा, तुम फौरन आ सकते हो यहाँ? हाँ, जब तुम आओगे ना फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, बस जल्दी से आ जाओ बेटा। जी ताई अम्मी, मैं फौरन आया। ठीक है, खुदा हाफिज़। इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? बेटा वो सानिया। सानिया क्या क्या हुआ उसे? पता नहीं क्या हो गया उसे, बहुत परेशान रहती है, बहुत घबराई हुई है, उसकी ना आंखों में एक अजीब सा खौफ है और मेरी बच्ची का रंग ना जर्द पड़ गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसे हुआ क्या है, कल दोपहर से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। तुम बताओ कि तुमने कल रात को कुछ महसूस किया था? मैंने पूछा था उससे लेकिन कुछ बताया नहीं उसने। नहीं सुहेब, कोई ना कोई बात तो जरूर है। देखो मैंने ना उसे नाश्ते के लिए कहा, बाकायदा से चिल्लाई है, चीखी है मुझ पर,
अरे मेरी वो बच्ची जो हमेशा तमीज से बात करती है, उसने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की और इस तरह से चिल्ला रही है। उसके ना उसके फोन पे मैसेजेस आते हैं, वो जवाब नहीं देती है, लेकिन परेशान हो जाती, घबरा जाती है। पता लगाना पड़ेगा बेटा क्या है, तुम मालूम करो ना बेटा। तैमी आप परेशान मत हो, मैं पूछता हूँ, उससे बात करता हूँ। देखो अगर कुछ मालूम नहीं हुआ ना तो मुझे तुम्हारे तायबू को बताना पड़ेगा। आप बुलाए उसे, मैं पूछता हूँ। हाँ हाँ मैं बुलाती हूँ, भेजती हूँ मैं उसे। हाँ तुम्हें बताना पड़ेगा सानी, आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो? तुम्हारी भूख प्यास उड़ गई है, यकीनन तुम रात में सोई भी नहीं हो और रोती रही हो। सानी हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा दुख तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे साथ हम भी अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं। मुझे सच सच बताओ ये परेशानी जावेद की वजह से है ना? पता नहीं, मतलब कोई ना कोई बात तो जरूर है। प्लीज जुहेब तुम मुझे मजीद तंग मत करो। यार अगर तुम बताओगे नहीं तो मसला कैसे हल होगा? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे भी छुपा रही हो? मुझसे ऐसा क्या राज तुमने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है? ऐसा क्या किया है, क्या किया है तुमने जो इतनी परेशान घूम रही हो? सानी मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दो। सानी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे जवाब चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, सब कुछ मैंने किया, मेरी गलती है। तुम जानना चाहते हो ना मेरी परेशानी की वजह? ये देखो, मार दो मुझे जान से, कह दो कि ये भी मेरी गलती है, मिल रही है मुझे इसकी सजा। मार दो तुम मुझे, जान से मार दो मुझे। सनी ये मुझे मालूम है ये तुम नहीं हो। नहीं आऊंगी मैं, समझी तुम? नहीं आऊंगी मैं, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरूंगी, समझे तुम? तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। मैं पानी लो, घबराने की कोई बात नहीं है, अब आशा ही बेहतर है। मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, आप लिख दीजिए। आज मैं आपको छोड़ देता हूँ। बेटा ऐसी क्या बात हुई कि नौबत यहां तक पहुंच गई? जावेद आप तो जानते हैं ना आजकल के लड़कों को इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ज़ाहिर है किसी ने मेरी बच्ची को इस तरह से बसा लिया। मैं जानती हूँ कि ये बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया है। तयमी ये देखें, हो ना हो मुझे जावेद लगता है, हो सकता है वो ही हो। लेकिन अगर वो जावेद है तब भी अपने किए का इकरार नहीं करेगा। तुम किससे डर रही हो बेटा? वो कौन है जिसकी वजह से तुम्हारी जान को खतरा है?
हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगी, कभी झूठ नहीं बोलोगी, हमें सच बताओ आखिर वो कौन है जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? मुझे नहीं पता बाबा, मुझे तो बस अननोन नंबर से ये तस्वीर आई है। जो भी है कोई बहुत ही खबीस और बेशरम इंसान है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तुम भी बहुत बेवकूफ हो सानिया, इतना पढ़ लिख कर भी गड्ढे में डाल दिया। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, फोटोशॉप कोई भी कर लेता है और कुछ ऐसे कमजोर लोग भी जानते हैं इसे। तुमको पहले ही हमें बता देना चाहिए, पता नहीं क्यों तुम बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब हम क्या करें, पुलिस के पास तो जा नहीं सकते। देखो जो भी है वो कबूलेगा नहीं और हमारे लिए ये सब कुछ साबित करना बहुत मुश्किल होगा। सानिया तुम्हें किसी पर शक है? मेरी क्लासमेट रिदा का भाई, उसकी शादी के फंक्शन पे उन्होंने कुछ तस्वीरें बनाई थी, शायद वो, पता नहीं। जिस नंबर से ये मैसेजेस आ रहे हैं वो नंबर हम पुलिस को दे सकते हैं ना अहमद? जो भी हो भरोसे वाला हो ताकि बात बाहर ना निकले। तायबू कल टीवी पर मैंने देखा था, एक औरत ने सरकारी पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज की, दो दिन में उसका मसला हल हो गया। वाकई? जी जी। आइडिया, क्यों ना हम भी इस पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कर देते हैं। लेकिन अगर ये बात फैल जाएगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। देखो जब हमारी बेटी ने कुछ किया ही नहीं है तो हमें भी परवाह नहीं है, क्या वो इस बात पे एक्शन लें? कोशिश करने में क्या हर्ज है, वैसे भी हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। देखो सानिया तुमने घबराना नहीं है, अगर वो खबीस आदमी अपनी धमकी पर अमल भी करता है ना तो हम उसको सजा दिलवा कर रहे हैं। मैं लैपटॉप लेके आता हूँ, अभी शिकायत दर्ज करते हैं। मैडम आपको यकीन है कि आप उस शख्स को गिरफ्तार कर लेंगे? अब तक कोई बचा तो नहीं है, हमारी टीम एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल है, उसे ढूंढना और गिरफ्तार करना कोई मुश्किल बात नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अना मंसारी बात कर रही हूँ साइबर क्राइम से। आप मिस सानिया अहमद जमाल बात कर रही हैं? जी जी, मैं सानिया अहमद जमाल हूँ। आपने ही शायद हुकूमती पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करवाई है? जी। मिस सानिया हमें आपसे मुलाकात करनी है, क्या हम आपके घर आ जाएं? जी जी आ जाएं। हम दो घंटे में आपके घर आ रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। जी ठीक है, शुक्रिया। तुम एक बाहिम्मत लड़की हो सानिया, उमूमन इस तरह के केसेस में खवातीन की खामोशी ऐसे भेड़ियों को काफी हिम्मत देती है। मैं बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि आप लोग इतनी जल्दी रिस्पांस करेंगे। अगर आप लोग चाहते तो हमें डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते थे। कल रात ही हमें इस केस को रेफर किया गया और कहा गया कि फौरन इस पर एक्शन लिया जाए और तमाम कार्रवाई से आगाह किया जाए। मैडम आपको यकीन है कि आप उस शख्स को गिरफ्तार कर लेंगे?
अब तक कोई बचा तो नहीं है। हमारी टीम एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल है, उसे ढूंढना और गिरफ्तार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और सजा? सजा तो होगी ना उन लोगों को? इंशाल्लाह उसे सजा भी होगी मिसेज अहमद। खैर, हम आप लोगों से रابطے में हैं, मैं बात करती हूँ। आप ऐसा कीजिए ना, आप अपने ऑफिस वालों से कह दें कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, ताकि वो आपकी जगह किसी और को भेज दें इस्लामाबाद। नहीं, मुमकिन नहीं है। तुम्हारे सामने तो बॉस का फोन आया था। देखो वो बीमार है और मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। देखो मुझे तो जाना पड़ेगा और वैसे भी कल शाम को तो वापसी है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तो कुछ कपड़े मेरे सूटकेस में रख दो। मैम आपने बुलाया? क्या हुआ उस केस का? देख रहे हैं मैडम उस केस को? देख नहीं रहे हैं, मुझे 2 घंटे मिनिस्ट्री में रिपोर्ट देनी है, फौरन बताएं। मैडम ऑलमोस्ट हम उस शख्स तक पहुंच चुके हैं, एक टीम रवाना होने वाली है थोड़ी देर में उसे गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, चेक करके बताएं मुझे, मैं आता हूं। अरे ये जो सरकारी लोग होते हैं ना, इनका काम होता है सिर्फ बातें बनाना, कुछ नहीं करते हैं ये लोग। तसल्ली देकर गए थे कि जी चंद घंटों का काम है, पकड़ लेंगे। कुछ ही तो घंटे गुजरे अभी अम्मा। अरे भाई महीने गुजर जाएंगे ना, तब भी उन्होंने यही कहना है कि चंद 100 घंटे गुजरे हैं। सिर्फ तसल्लियां देना जानते हैं जो वो हमें देके चली गई। मगर अम्मी ऊपर वालों को भी तो रिपोर्ट देनी होती है उन्हें। तो बेटा वो ऊपर वालों को भी रिपोर्ट दे देंगी और ये कहेंगी कि जी वो आदमी नहीं पकड़ा गया, मिला ही नहीं। अनम मैम का फोन है। हेलो। जी मैम, क्या आपने उसे पकड़ लिया? कौन है वो प्लीज बताइए। जी ठीक है, हम अभी आते हैं वहां पर। अम्मी वो उन्होंने अभी अपने ऑफिस बुलाया है, अपने इलाके वाले पुलिस स्टेशन में। नहीं वो अपने ऑफिस बुला रही हैं। अच्छा तुम्हारे बाबा तो गए हुए हैं इस्लामाबाद, तुम ऐसा करो जुहैब को कॉल करो, उसके साथ चली जाना। सही है, मैं अभी जाती हूँ। हमने उसका नंबर सुबह ही सर्विलियंस पे डाल दिया था, हमें पता लग गया है कि वो शख्स कौन है। तुम उसकी पहली शिकार नहीं हो सानिया, तुमसे पहले भी बहुत सारी खवातीन हैं जिनको वो ब्लैकमेल करके उनकी जिंदगी तबाह कर चुका है। कौन है वो? अच्छा लेकर आप, मैं तो आपको बहुत शरीफ समझती थी। बगला भगत बना हुआ था, अपने मकरूह चेहरे पर शराफत का नकाब ओढ़े हुए, मोहल्ले का हर दिल अजीज पसंदीदा शख्स, जरूरतमंदों की मदद करने वाला। ये बद किरदार बदनीयत शख्स जिसकी पहुंच मोहल्ले के हर घर तक थी, ये वहीं से अपना शिकार ढूंढता था। सब लोग इसे अपना मसीहा समझते थे और ये लोगों की बहू बेटियों पे बुरी नजर रखता था। तुम इंतहाई जलील और बेशरम इंसान हो। ये अपने जुर्म का एतराफ कर चुका है, बल्कि तरीका वारदात भी बता चुका है। तुमने इसे अपना नंबर कैसे दिया था सानी? मैं 1 हफ्ते पहले इनकी शॉप पर गई थी, वहां से मैंने इजी लोड करवाया था इनसे। ये हर आती जाती खवातीन की तस्वीरें लिया करता था, फिर अपने एक दोस्त की मदद से उन तस्वीर को फोटोशॉप पे एडिट करके उनको न्यूड बना दिया करता था।
खुदाया, हम इसे क्या समझते थे और ये क्या निकला है? बहुत एहतियात की जरूरत है सानिया, बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, सोशल मीडिया पे कुछ भी अपना पर्सनल अपलोड ना करें। जब भी बैलेंस डलवाएं या फोन को ठीक करवाने के लिए दें तो अपना डेटा डिलीट कर दें, ताकि कोई भी सनक अलमनाक वाकया पेश ना आए। इस जैसे भेड़िए मासूम खवातीन की छोटी सी गलती का नाजायज फायदा उठाकर उनको अपना शिकार बना लेते हैं। ले जाए ना। सजा होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जुल्म और ज्यादती का निशाना बनी औरतों से हम कांटेक्ट करें और उनको राजी कर सकें कि वो इसके खिलाफ गवाही दें, ताकि इस भेड़िए को सख्त से सख्त सजा मिल सके। मैं हर तावन के लिए तैयार हूं। काश हमारे मुआशरे की हर औरत तुम जैसी बहादुर हो जाए सानिया, ताकि हम अपने इस मुआशरे को जाहिद जैसे भेड़ियों से पाक कर सकें। आमीन आमीन।